अरे अरे तेरे तो भैया दर्शन ही दुर्लभ है गए हैं, कोई खबर हो भैया? नहीं, अरे कोई खबर नहीं है पापा। हाँ। कोई खबर होती तो आपको देता ही। हाँ नहीं सही बात है भाई, खबर को मतलब वो माल, और माल तो को मिलो ना है, कहा है कि दूसरों टेंडर भी तेने बकुल कुमार को दिलवा दियो है। नहीं पर कोई बात ना है, माल भी मिल ही जाएगा है। अरे टेंडर पास होने में कितने दिन लगे हैं बस हुए? आपको आपको सब पता है? अब लाला पता तो करना ही पड़ेगा, देख अपने लोगों को पता ना करेंगे तो कैसे काम चलेगा, अब चाहे तू हो चाहे बकुल कुमार हो, है कि ना? लेकिन तेरे से एक बात बता रहा हूँ, तू टेंडर पास होते ही बकुल कुमार को लपक लीजो। हाँ नहीं तो कहा मामलो ठंडो है जाए, और जब मामलो ठंडो है जाए तो मैं ससुरो ठंडो ही है जाए। हाँ फिर बाकू गरम गर्मी में बड़ो बखत लगे, समझ रहा है कि ना है? हाँ मैं समझ रहा हूँ पापा, आपको भी और आपकी बातों को। चौकर रहा है बेचारा, बड़ो परेशान है साहब, माल नहीं मिल रहा यह वजह से। कोई बात ना लाल, आधो परेशान तो मैं भी हूँ, कैसे कि तेरा 50% को पार्टनर हूँ। कितनी बार मना किया है मैंने ऐसे वक्त में बिल्कुल काम नहीं करने का, फिर भी मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है ना। अभी देखो दर्द हो रहा है ना, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, नहीं तो हम डॉक्टर को इधर ही बुला लेते। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हल्का सा दर्द है। तो फिर फिकर की कोई बात नहीं है, ऐसा दर्द तो होते ही रहता है, लेकिन अभी बिल्कुल भी काम नहीं करने का। मैं मालिश कर देती हूँ, आपको आराम होएगा, और अभी जो भी काम होएगा ना वो मेरे को बताने का, बिल्कुल काम नहीं करने का। हाँ हेलो, प्रिया है? हाँ आराम कर रही है, आप कौन? प्रिया को फोन दो। लेकिन आप कौन बोल रही है वो तो बोलो ना पहले। अरे मैं तुम्हारी प्रिया मैडम के एक्स हस्बैंड की दूसरी वाइफ बात कर रही हूँ, सुजाता। सुजाता तू दूसरी बीवी है ना, तो तू अपने पति को फोन लगा, तेरे को और कोई काम धंधा नहीं है क्या? नौकरानी होकर मेरे मुल्क की है। तूने बोला ना कि तू दूसरी बीवी है, दूसरी बीवी भी नौकरानी जैसी ही होती है, और अभी तू ज्यादा बक बक मत कर, फोन रख दे। ओह यू शट अप, प्रिया को फोन दो। प्रिया मैडम बात नहीं करेगी, और तू भी फोन रख दे। और सुन मेरा नाम अम्बा है, आगे से इधर फोन किया ना तो मैं तेरे घर पे आके बहुत मारेगी तेरे को। और तूने क्या बोला था? यू शट अप, तू शट अप। ये हमारा फाइनल कॉन्ट्रैक्टर है। बेटा बिजनेस का ये उसूल है कि धीरे धीरे बिजनेस को एस्टैब्लिश करना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए मैंने कम लेकिन अच्छे कॉन्ट्रैक्ट से लिए। वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। दीदी आजकल आप अपनी तबीयत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, जब से आपकी तबीयत बिगड़ गई आप एक बार भी डॉक्टर के पास गई हैं? देखिए तबीयत के मामले में इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है। अरे मेरी तबीयत को क्या हुआ? तुम्हारे सामने बैठी हूँ, ठीक ठाक तो हूँ। अगर तुम्हें मेरी तबीयत की इतनी फिक्र है तो एक काम करते, अगली बार जब डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो तुम्हें भी अपने साथ ले चलूंगी मैं। हाँ अपना पूरा चेकअप करवा लेना, क्योंकि आजकल तुम भी मुझे बहुत बीमार लगने लगी हो। दीदी आप भी जब देखो तबीयत। पापा ये रही आपकी अदरक वाली चाय। थैंक यू बेटा, लेकिन बेटा अदरक वाली चाय पीने का मजा तो मनोहर लाल जी के साथ ही आता है। हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट वाली जो मैं बात बता रहा था, ये जो बेसिक कोटेशन यहाँ पे ऊपर लग रहा है कि इसी रेट पे हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए, आप क्या समझते हैं? दैट्स गुड, राइट 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 गुड, अगले जो पन्ने पे है। सुप्रिया, अरे सुप्रिया क्या हुआ? अरे सुप्रिया तुम ठीक? क्या हुआ? बहुत बहुत दर्द हो रहा है मुझे। अरे सुप्रिया तुम अपने बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो। अच्छा ऐसी हालत में तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं मामी जी इतनी सीरियस बात नहीं है। अरे सीरियस हो या ना हो तुम्हें आराम करना चाहिए सुप्रिया। हाँ प्रकाश सुप्रिया को लेके अपने कमरे में जाओ, चलो आराम से। हाँ
संभल के संभल। अच्छा चलो संभल को। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी सुप्रिया। इतना घबराने की कोई बात नहीं, 5-6 महीने तो इतना दर्द होगा ही, बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 5-6 महीनों की तो बात है। हाँ प्रकाश, मामी जी ठीक कह रही है, अब सिर्फ 5-6 महीनों की तो बात है। चलो सब ठीक हो जाएगा। चलो तो लगा था कि ये लड़की चंद्री का मेरा काम आसान कर देगी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। जो घर टूट रहा था, चंद्री का उस घर को जोड़ने की कोशिश कर रही, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। चंद्रिका, अगर तू इस घर को जोड़ने की कोशिश करेगी तो मेरा नाम भी प्रांजल है। अब मैं इस घर को तोड़ूंगी, वो भी तुझे अपना हथियार बनाकर। लेकिन तू उसे, क्योंकि सामने तो होंगी बड़ी माँ, जिनके कंधे पर बंदूक रखकर अब मैं चलूँ। इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, मुझे बता सकते हैं आप डॉक्टर? प्रिया, प्रिया मैं जे कह रहा सा ना ना। देखो बकुल बाबू, पराई लुगाई की तरफ ताका झांकी करनो, वा के साथ छेड़खानी करनो ठीक बात ना है सा। क्यों मनोहरलाल जी? हाँ, अब ये पराई हो चुकी है, इससे पहले मेरी पत्नी थी, चली गई, सब कुछ लेकर चली गई है। ये बात तो ठीक है साहब, लुगाई तो नई हो चाहे पुरानी हो, याद आई आया। लेकिन छोड़ो, वैसे आपको क्या करना है? आप तो देखो सुनो, ये मनोहरलाल आपको पुरानो सेवक, आपके लिए कछु भी करने को तैयार है। हाँ, आपकी पुरानी बीवी को वापस ना ला सके, लेकिन वहां में तो आपको इंटरेस्ट भी ना है उस्ताद, आपको इंटरेस्ट तो वहां की प्रॉपर्टी में है ना? ये आपने बिल्कुल सही कहा। अरे हम तो सही कहवे भी हैं और सही करे भी हैं, बस आप तो मेरे फार्मूले पर चलते रहो। हाँ, याद है ना मेरा फार्मूला? ना ना, याद ना हो तो मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं। याद है आपका फार्मूला, याद है आपके फॉर्मूला की वजह से तो मैं जिंदा हूँ, वरना कब का मर चुका होता। राधे राधे, ऐसी बात मत करे करो आप। हाँ। अरे मरे ससुरे आपके दुश्मन। हाँ। और आप देखियो बकुल बाबू, सब आपकी आंखों के सामने मरेंगे। हाँ, आप चिंता ही मत करो, बस आप तो खाली दो बातन को ख्याल रखो। देखो साहब, ये मनोहरलाल है आपके सामने खड़ा, जे आदमी तो धोती छापे, लेकिन या के आईडिए बड़े तगड़े हैं, 5 स्टार हैं। अब देखो, आप मेरे 5 स्टार आईडिए इनको लीक मत कर दीजो, कोई को बता मत दीजो। हाँ, ना ना, सुजाता देवी को भी नहीं। कहा है बबू बाबू, दीवारन के कान और लुगाई की जबान, जे बस में ना रहे हैं, कभी भी वक्त पड़े अरे अर्थ को अनर्थ है जाए हमारा। ये आपने बिल्कुल सही कहा, आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन दूसरी कौन सी बात है? अब दूसरी बात जरा ये है कि मतलब अब जब आपको काम फिट है जाए, आपको प्रॉपर्टी मिल जाए, तो जो मनोहरलाल को मत भूल जाइए आप। ना ना, वैसे आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, मुझको कतई शक ना है। लेकिन का है साहब, सेफ्टी की वजह से याद दिलानी पड़े ना। अब देखो, मैं तो आपको रोज रोज बढ़िया पटाखेदार खबर दे रहा हूँ, लेकिन आपको तो सुसरो ना मुंह खुले ना हाथ खुले, मतलब मनोहरलाल जी। हाँ जी, मुंह भी खुलेगा और हाथ भी खुलेगा। अच्छा अच्छा, और रही बात खबर की, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैं भी आपको एक अच्छी खबर सुनाई देता हूँ। अरे बात ये हुई ना बात, बोलो बोलो, अभी क्या नहीं बोल दो। अरे यहाँ नहीं, इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। कहाँ?
वहां जहां मैं आपको अच्छी खबर भी सुना सकूं और उसके सबूत भी दे सकूं। अच्छा अच्छा, आप तो जानते हैं मैं बिना सबूत कोई खबर सुनाता नहीं हूं और ना ही कोई खबर सुनता हूं। आप मेरी गाड़ी के पास रुकिए, बस अभी आया। वो सफेद वाली? हाँ। वाह, बढ़िया खबर पावे के वास्ते तो मैं नरक में भी जा सकूं। चल भाई मनोज। अरे प्रांजल बेटी। बड़ी माँ, वो मैं आपसे कुछ हाँ हाँ आओ आओ यार बैठ बेटी। हाँ बोलो बेटी, इस तरह क्या देख रही हो प्रांजल? देख रही हूँ कि बड़े हमेशा बड़े ही होते हैं। अब देखिए ना, इस घर में कितना टेंशन चल रहा था, लेकिन आपने चंद्रिका को अपनाकर सारी टेंशन दूर कर दी। और फिर देर से ही सही, लेकिन घर के लोगों ने भी अब चंद्रिका को आसानी से एक्सेप्ट कर लिया है। प्रांजल, बेटी घर के बड़ों का यही फर्ज होता है। सभी लोगों ने चंद्रिका को अपना लिया, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? इसका श्रेय तो सभी को जाता है, तुम्हें भी। वो सब तो ठीक है बड़ी माँ, लेकिन चंद्रिका जैसी लड़की सही रास्ते पर आ गई तो इसका श्रेय तो उसे भी जाना चाहिए ना। पर हमें तो अब इसी बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अब अपने पुराने रास्ते पर ना चल पड़े। तुम कहना क्या चाहती हो? बड़ी माँ, छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन मैं अपने मन में कोई भी बात नहीं रखती। जो कुछ भी होता है ना, मैं सीधे सीधे कह देती हूँ। फिर आपको अगर गलत लगे या सही, आप कम से कम मेरी बात सुन तो लीजिए। लेकिन बेटी, बात क्या है? बड़ी माँ, अब निधि की तरह चंद्रिका भी इस घर की बेटी बन गई है, तो फिर उसके प्रति हमारे भी तो कुछ कर्तव्य और अधिकार बनते हैं। इसलिए मैं चाहती थी कि इससे पहले कि कोई उसके अधिकारों के बारे में हमें बताए, हमें खुद चंद्रिका की सिक्योरिटी के लिए उसे उसका हिस्सा दे देना चाहिए। अच्छा? नहीं नहीं बड़ी माँ, अगर आपको मेरी बात गलत लगी है तो फिर आप। ये तो क्या कह रही है पंजय? तुमने एकदम सही कहा बेटी, हमें बिल्कुल यही करना चाहिए। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम बच्चों में कोई भेदभाव करें। मैं तुम्हारी बात पर जरूर विचार करूंगी और उसे पूरा करने की कोशिश भी करूंगी। थैंक यू बड़ी माँ। अच्छा तो अब मैं चलूं? हाँ बेटी। ससुरो आदमी तो आदमी, घड़ी भी थक गए इंतजार करते करते। पतोना जी, बकुल कुमार कौन से बिल में घुस गया है? अब पतोना का खबर लेकर आएगा? अरे आ जाओ भाई, थक गए हम। अरे टीवी सुसरी गर्म है गई, अंदर ही बैठो। अरे आ जाओ भाई। अरे अरे बड़ी देर लगा दी बकुल बाबू, काम ही कुछ ऐसा था। बैठिए। हाँ। का है वो? ये लीजिए देखिए। ये का है? देखिए तो। अरे पर है, अरे बकुल बाबू, ये तो अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में थोड़ी आए। ये एक पेशेंट की रिपोर्ट है, बड़ी मुश्किल से एक जूनियर डॉक्टर से ये निकलवाई है। इस पेशेंट को बोन कैंसर है, कुछ ही दिनों का मेहमान है। बता राधे राधे बकुल बाबू, इतनी दूर से मुँह को दौड़ा करके लाए हैं जे मौत को परवानो दिखावे के पास? अरे यहाँ से मुँह का फर्क पड़ेगा? अगर पेशेंट का नाम सुप्रिया कोठारी हो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ मनोहर लाल जी,